वेलकम टू क्यूक आई टी चैनल। 100% रैम यूज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से क्या होता है, हमारे सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है। यहाँ पे प्रोसेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा रेड हो जाता है, 100% रैम यूज में चली जाती है, तो उससे हमारा सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी रन नहीं कर पाते, एक्सेल वर्ड कुछ भी खोल नहीं पाते, जब हमारा सिस्टम में जो रैम होता है वो 100% पर चला जाता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे सिस्टम में जो बैकग्राउंड जो रैम यूज़ करता है उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को, उस सर्विस को हम कैसे बंद कर सकते हैं, और हमारे रैम को हम जो यूज़ करते हैं उस जगह पर हम उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी। प्राइवेसी में यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऐप्स दिखेगा। बैकग्राउंड ऐप्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो होती होगी। तो उस एप्लीकेशन को आप जो यूज़ नहीं करते उस एप्लीकेशन को यहाँ से आपको ऑफ कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपको जो ये सभी एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है मतलब जो बैकग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं ये तो कुछ ना कुछ तो रैम हमारा इसको रैम इसको मिल रहा है, जिससे हमारा रैम 100% जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा, जिससे हमारा रैम उतना यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं उससे उसको डिसेबल कर दे रहा हूँ, ऑफ़ कर दे रहा हूँ। आप भी जो यूज़ नहीं करते हो उसको भी यहाँ से आप ऑफ़ कर देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके आपको यहाँ पे सर्विसेज ओपन कर लेना है। सर्विसेज में यहाँ पे आपको तीन सर्विसेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको डिसेबल कर देना है। सबसे पहले सिसमैन करके एक सर्विस है, सिसमैन, इसको आपको राइट क्लिक कर देना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको इस सर्विस को परमानेंटली डिसेबल कर देना है और स्टॉप करके अप्लाई ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विंडोज़ सर्च दिखेगा, उस सर्विस को भी आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डिसेबल करके स्टॉप करके अप्लाई ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार विंडोज़ को फुल्ली अपडेट कर लेना है। मैं कहूँगा आपको एक बार विंडोज़ को फुल्ली अपडेट करने के बाद, अपडेट एंड रिस्टार्ट करने के बाद, यहाँ पे ये सर्विस है विंडोज़ अपडेट, उसको भी आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको भी डिसेबल कर देना है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको इसको अनेबल रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, ये विंडोज़ है आपका, नेट चालू है आपके सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है, तो उससे भी आपका रैम पर लोड बढ़ता है। तो इसको परमानेंटली एक बार अपडेट करने के बाद इसको डिसेबल कर देना है और स्टॉप करके अप्लाई ओके कर देना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है। अब हमें टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में आपको यहाँ पे आपका सभी, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी आपको नई प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क, यहाँ पे परसेंटेज में यूजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप में यहाँ पे आपको थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखेंगे, तो उसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आपका सिस्टम चालू होता है तो ये सॉफ्टवेयर भी रन होते हैं, तो उससे आपका सिस्टम पर लोड बढ़ता है और आपका रैम ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको यहाँ से आप जो यूज़ नहीं करते उसको डिसेबल कर देना है। अब मैं तो कहूँगा जो आप यूज़ नहीं करते उसको परमानेंटली यहाँ से डिसेबल कर देना है, जिससे आपका रैम कम लेगा और आपका प्रोसेस फटाफट आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग कर दी, आपको बता दी, आपको करके सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना है, जिससे आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।